Hello student, how are you? I hope you are doing well. We are going to start exercise 5.7. Point A, arrange 10 balloons into groups of 4 each. Number of balloons कितने हैं? 10 हैं. और groups हमें find करने हैं. और one group में कितने balloons हैं? 4. Okay? तो चलिए हम ग्रुप बनाते हैं. वन ग्रुप में 4 बैलून्स हैं. तो ये देखिए, ये वन ग्रुप बन गया और ये दूसरा ग्रुप बन गया. देखिए वन ग्रुप में 4 बैलून्स, फिर नेक्स्ट ग्रुप में 4 बैलून्स. नेक्स्ट आपके पास में और बैलून्स यहाँ पर ड्रॉ नहीं किए हुए हैं, तो लेफ्ट कितने रह गए? 2 बैलेंस. और ग्रुप कितने बने? 2. तो यहाँ ग्रुप्स हमारे कितने फाइंड हुए? ये आंसर क्या आ जाएगा? 2 बैलून्स लेफ्ट ओवर. कितने लेफ्ट आपके पास में बैलून्स रह गए? 2. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन और रिमाइंडर भी हमें फाइंड करना है. तो देखिए नंबर ऑफ बैलून्स कितने हैं? 10. और एक ग्रुप में कितने बैलून्स हैं? 4. 10 को 4 से हम डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा? 2. एंड रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 2. यहाँ पर हमने राइट कर दिया. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट बी पॉइंट में देखिए, यूजिंग द लॉन्ग फॉर्म फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर आर. ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके इसमें हमें क्वेश्चन भी फाइंड करना और रिमाइंडर भी फाइंड करना है. ओके, ये अपनी नोटबुक में आप सॉल्व करके यहाँ आंसर राइट कर सकते हैं. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 42 डिवाइड बाई 5. 42 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन क्या आएगा? यहाँ पर 5 के टेबल में 42 नहीं आते हैं, तो उससे कम 40 आते हैं. कितने टाइम्स में आते हैं? 8 टाइम्स में. तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 8. क्वेश्चन के बाद रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 2. ओके स्टूडेंट, इसी तरह से सेम एज इट इज़ ये सारे क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करके और यहाँ पर आंसर पुट करना है आपको. ओके, नेक्स्ट पॉइंट सी, सॉल्व दिस वर्ड प्रॉब्लम्स. ये वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन है. पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिंकू हैज़ टू पेस्ट पिक्चर्स इन हिज टेल मी मोर स्क्रैप बुक. ही कैन पेस्ट 4 पिक्चर्स ऑन 1 पेज इफ़ ही हैज़ टू पेस्ट 12 पिक्चर. अगर वो 1 पेज में 4 पिक्चर पेस्ट करता है तो वो 12 पिक्चर कितने पेज में पेस्ट करेगा वो हमें फाइंड करना है. आइए देखिए, हाउ मेनी पेजेस डज ही नीड इन ऑल. उसे कितने पेजेस की नीड होगी जिसमें 12 पिक्चर्स पेस्ट हो जाएंगे. ओके, पॉइंट सी, सॉल्व दिस वर्ड प्रॉब्लम्स. आंसर फर्स्ट का देखिए, नंबर ऑफ पिक्चर्स 12, नंबर ऑफ पिक्चर्स ऑन 1 पेज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ पेज नीडेड इन ऑल 12 डिवाइड 4 इक्वल टू 3 पेजेस. यानी कि 12 पिक्चर्स के लिए 3 पेजेस की नीड है. यहाँ पर हमने एक्सप्लेन करके आंसर फाइंड किया है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, देयर आर 67 फोटोज, दे हैव टू बी पैक्ड इक्वली इन 7 बॉक्सेस. 67 फोटोज है नंबर ऑफ, उसमें इक्वली 7 बॉक्सेस में फोटोज़ को इक्वल पैक्ड किए गए हैं. ईच बॉक्स मस्ट होल्ड डैश फोटोज़ डैश फोटो आर लेफ्ट.
यानी कि वन बॉक्स में कितने फ़ोटोज़ हैं और कितने फ़ोटोज़ लेफ्ट रह गए हैं वो हमें फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, आंसर टू, नंबर ऑफ़ फ़ोटोज 67, नंबर ऑफ़ बॉक्सेस 7, नंबर ऑफ़ फ़ोटोज़ इन ईच बॉक्स इक्वल टू, देखिए 67 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 9 फ़ोटोज़, 4 फ़ोटोज़ लेफ्ट। यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है, देखिए 67 को 7 से डिवाइड किया है, 9 टाइम्स में 63 लेस के 4, यानी कि 4 फ़ोटोज़ लेफ्ट हो गए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, 49 स्टूडेंट्स विल बी हैविंग लंच इन द स्कूल कैंटीन। 49 स्टूडेंट हैं वो लंच करते हैं स्कूल कैंटीन में। 5 स्टूडेंट्स कैन सिट एट ए टेबल, 5 स्टूडेंट्स वन टेबल में सिट यानी कि बैठते हैं, बैठ सकते हैं। हाउ मेनी टेबल्स विल बी नीडेड टू सीट ऑल द स्टूडेंट, तो 49 स्टूडेंट्स को बैठने के लिए कितनी टेबल्स की नीड है वो हमें फाइंड करना है इसमें। ओके, इसमें नंबर ऑफ टेबल्स हमें फाइंड करने हैं। क्वेश्चन थर्ड का आंसर है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 49, नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन सीट एट ए टेबल 5, नंबर ऑफ टेबल्स वी नीडेड 49 डिवाइड बाय 5। यहाँ देखिए 49 को 5 से डिवाइड किए हैं तो हमारा क्वेश्चन आंसर क्या आ रहा है, 9, 45 होंगे, लेस किए 4 आया आंसर। तो यहाँ देखिए कितने टेबल हो गए, 9 टेबल, 9 टेबल और 4 लेफ्ट, तो 9 टेबल में 9 टेबल हैं और 4 लेफ्ट है, यानी कि 4 स्टूडेंट को भी बैठने के लिए 1 टेबल की नीड है, तो 1 टेबल हमने यहाँ पर ऐड कर दिए, तो 9 प्लस 1 इक्वल टू 10 टेबल, यानी कि हमें 10 टेबल की नीड है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.8, पॉइंट ए, चेक इफ द गिवन क्वेश्चंस एंड रिमाइंडर्स आर करेक्ट। ये टेबल है, इसमें रिमाइंडर और क्वेश्चन हमें करेक्ट फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए 28 को 5 से डिवाइड करना है, तो क्वेश्चन कितना है 5 और रिमाइंडर 2। यहाँ चेक करेंगे हम, देखिए क्वेश्चन कितने हैं 5, डिवीज़र इसमें 5 है और रिमाइंडर कितना रह गया 2। इसको सॉल्व किए 5 5 25 25 प्लस 2 कितने हैं 27। ओके, यहाँ पर हमें हमारा डिविडेंड कितना है 28। तो नेक्स्ट कॉलम में देखिए 27 यहाँ पर आंसर है, डज नॉट 28, 27 और 28 इक्वल नहीं है, इट मींस आंसर रॉन्ग है। क्वेश्चन हमारे 5 आया है, रिमाइंडर हमारा रॉन्ग है। ओके, सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं डिविडेंड कितना है 26 और डिवीज़र 3, 26 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन कितना आता है 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, इट मीन्स क्वेश्चन इसका रॉन्ग है। ओके, 24 आएगा, 24 से रिमाइंडर, अगर 26 में 24 हम लेस करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2, यानी कि रिमाइंडर हमारा करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे, देखिए क्वेश्चन कितना है 7 मल्टीप्लाई डिवीज़र कितना है 3 प्लस रिमाइंडर कितना है 2, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 7 3 जा 21, 21 और 2 23। ओके, अब देखिए यहाँ पर 26 है तो 23 डज नॉट इक्वल 26। ओके, इसमें क्वेश्चन रॉन्ग है,
और रिमाइंडर राइट है। ओके, सेम एज इट इज़, इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इस कॉलम को कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, ये बुक वर्क है आपका। पॉइंट बी, मैच द कॉलम। इसमें देखिए, फर्स्ट कॉलम में क्वेश्चन्ड, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये हमें मैच करना है। तो फर्स्ट में देखिए क्वेश्चन 6 है, तो इसमें कौन से क्वेश्चंस हैं जिसके क्वेश्चन 6 आएगा? यह देखिए 4 से 36, 9 टाइम्स में, 8 से 65, 8 8 जा 64, यानी कि क्वेश्चन 8 आएगा इसमें। 7 7 जा 49, यानी कि 7 6 जा 42, यानी कि क्वेश्चन कितना आ गया 6। और 42 45 में से 42 लेस करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। ओके, तो देखिए ये 6 है, 6 ये क्वेश्चन के साथ टैली करते हैं और रिमाइंडर कितना हो गया आपका 3। ओके, 6 7 जा 42, 45 में से 42 लेस करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 3। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन इसके साथ और इसके साथ मैच करता है। ओके स्टूडेंट, सेम एज इट इज़ ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मैच करने। ओके, यही आपका बुक वर्क है।